का हिसाब कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और इसकी जो राइस है ट्रेड है वो कितना रखना चाहिए ताकि आगे चल के समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, जो ये है ये तो है दोस्तों ट्रेड, और ये रही आपकी राइस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे मान लो ये जो जैसे आपके मकान की हाइट है 10 फीट है, ठीक है, 10 फीट पे मतलब ग्राउंड फ्लोर लेंटर डालना है, तो आप इसको 5 फीट ले लेंगे आधा, ठीक है, यहाँ से 5 फीट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये कितने राइजर होंगे और ट्रेड कितने होंगे ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है कि आपने ये 5 फीट ले लिया, ये 5 फीट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। 12 का इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी 60 आ गया। अब इसमें क्या है कि जो एक आपका जो राइजर होगा, जैसे ये वाला है, ये राइजर है, वो होता है 6 इंच का, जो उसका स्टैंडर्ड साइज है वो 6 इंच आप रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 6 इंच का रहेगा तो ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा, और जैसे बूढ़े लोग हैं और या कोई भी है तो उसको चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10, तो आपके आ जाएंगे 10 राइजर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्रेड की, इसकी इसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए ट्रेड की। तो दोस्तों ट्रेड की चौड़ाई रखनी चाहिए आपको 10 इंच, ये वाली, ये जो है ये 10 इंच रखें आप, ठीक है, ठीक है, 10 इंच रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि आसानी से पैर सीढ़ी पे रख जाएगा, ठीक है, क्या है कि सीढ़ी पे पैर आसानी से रख जाएगा। तो इसमें क्या है कि, और अब देखो आपकी 10 इंच की हो गई ट्रेड और राइजर हो गया आपका 6 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके, मैंने आपको बता दिया हाइट 5 इंच होगी तब के लिए बताया है, हाइट 5 इंच हो या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आप जैसे कि कई 11 फीट पे लेंटर डलता है, 11.5 फीट पे लेंटर भी डलता है, तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं। और ये वाली जो हाइट है, ये जो ये लंबाई है, ये आप 11 फीट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये सीढ़ी तो बन के तैयार हो गई, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी रखें सीढ़ी की, ठीक है। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका आपको स्टैंडर्ड साइज बता देता हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है 3.5 फिट से 4 फिट रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर आप कोई भारी सामान ले जा रहे हैं तो उसमें ले जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से चला जाएगा छत पर, आपको कुछ भी ले जाना है तो, ठीक है। तो 3.5 फिट आराम से इसके स्टैंडर्ड साइज 3.5 फिट रहता है, आप 4 फिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि 3.5 फिट रहेगी तो यहाँ पे ये रेलिंग लगेगी, तो थोड़ी सी जगह वहाँ पे कवर हो जाएगी, तो आपका आप 3.5 फिट रखें तो 3 फिट आराम से बचेगी, तो आराम से आप जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो, राइजर और ट्रेड जब दोनों मिलते हैं, जो राइजर और ट्रेड जैसे कि ये है, ठीक है, ये हो गया ट्रेड और ये हो गया राइजर, जब ट्रेड और राइजर दोनों मिलते हैं तो बनती है स्टेप, ठीक है, तो स्टेप बनता है, ठीक है। स्टेप मीन्स सीढ़ी, ये हो गया राइडर राइजर और ये ट्रेड, अब ये बन गई ना पूरी एक सीढ़ी, ठीक है, ये पूरी एक सीढ़ी बन गई, राइजर और ट्रेड मिलकर बनता है एक स्टेप, ठीक है। ये स्टूडेंट्स भी ध्यान रख सकते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसके बाद जब राइजर स्टेप मिलकर के जब स्टेप मिल जाता है तो फिर बनती है फ्लाइट, ठीक है। अब फ्लाइट किसको बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं इसे, ये जो पूरी लाइन खींची हुई है यहाँ से लेकर के लैंडिंग एरिया तक, ये वाले एरिया तक, इसको बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और याद रखें आप कि आपका राइजर हो गया, ट्रेड हो गई और स्टेप भी हो गया। अब क्या है कि एक जो जो ये वाली जगह होती है ना, इसको बोलते हैं लैंडिंग एरिया, लैंडिंग, और इसे हिंदी में बोलते हैं चौकी, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।